एक व्हीकल के लिए उसका व्हीकल के लिए उसका डेटाबेस क्रिएट करना अब कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। जीरो सॉफ्टवेयर पे ऑनलाइन दर्ज। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection, Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. और फिर उससे संबंधित सारी जो चीजें हैं वो आपको एम परिवहन ऐप पे मिल जाएगी। तो यूज करिए और उन टेक्नोलॉजी हमारे पास आप ब्लैक एंड व्हाइट में मत दीजिए। हम आपको अपना ईमेल आईडी दे देते हैं, उस पर आप हम लोग अपनी जो इन्फॉर्मेशन से वो हमको मेल कर दीजिए तो हम उसका सॉफ्ट कॉपी में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी कि कौन से व्हीकल में कौन से बच्चे आ रहे हैं और किस तरफ के बच्चे आ रहे हैं। तो आपको भी उन जो बच्चों के माँ बाप हैं उनको जवाब देने में हमेशा सहूलियत रहेगी कि हम उठा जाए तो उसका एक रूट चार्ट आपको हमेशा आपके टेक्निकल हैंड को हमेशा उपलब्ध रहेगा। रही बात वो बहुत सर्वविदित है कि 5 साल पुराना लाइसेंस होगा, गाड़ी की फिटनेस होनी चाहिए, इंश्योरेंस, बच्चे बिठाए जा सकते हैं, ये डायरेक्शंस बहुत क्लियर कट हैं। आपको पिछली बार जब यहाँ मीटिंग हुई थी हमने सबको बाल रहनी का सर्कुलर जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और उसको जो है वो जैसा कि आप सबको विदित है कि अभी 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है उसके अंतर्गत सभी स्कूलों को और जागरूक करने के हिसाब से कि बाल वाहिनी में क्या क्या कार्य करने हैं उन्हें उस संदर्भ में एसपी साहब की अध्यक्षता में पुलिस लाइन में अभी बाल वाहिनी मीटिंग रखी गई है जिसके अंदर समस्त स्कूलों के इंचार्ज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के इंचार्ज RTO साहब DTO साहिबन सब पधारे हैं और मीटिंग अभी चल रही है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि स्कूल वालों को जो उनकी कोई बाल वाहिनियों में कमी है उसके बारे में जागृत करना कि भाई उनको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, जो हेड ऑफिस से जो नोटिफिकेशन आए हुए हैं जिसके अनुसार बाल वाहिनी उन लोगों को किस हिसाब से बनानी है, उसके अंदर क्या क्या आर्ताएँ पूरी होनी चाहिए उसके बारे में जानकारी देना। और पिछली मीटिंग जो हुई थी 4 महीने पहले उसमें उनको निर्देश दिए गए थे, उसमें से उन्होंने किन किन निर्देशों की पालना की है उस संदर्भ में उनकी रिपोर्ट लेना। क्या क्या निर्देश आए राज्य सरकार द्वारा? राज्य सरकार द्वारा निर्देश आया कि बाल वाहिनी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो 23 नंबर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके अंतर्गत समस्त बाल वाहिनियों में GPS होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, ड्राइवर कंडक्टर होना चाहिए, साथ में एक उतारने वाला चढ़ाने वाला, गाड़ियों में रेलिंग लगी हुई होनी चाहिए, गाड़ियाँ अच्छी कंडीशन की होनी चाहिए, सबकी फिटनेस इंश्योरेंस परमिट वगैरह सब वैलिड होने चाहिए और स्कूल के अंदर पार्किंग होनी चाहिए, GPS से ट्रैक होना चाहिए ताकि उसे मालूम पड़ सके कि गाड़ियों का रूट क्या है और किस स्पीड में गाड़ियाँ चल रही हैं। पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उसमें सभी स्कूलों को यही निर्देश दिए गए थे कि पार्किंग जिनमें अंदर व्यवस्था है वो अंदर ही करें और उसके बाद में काफ़ी स्कूलों में जिनमें समुचित व्यवस्था है जो भी वो वैन से आ रहे हैं चाहे किसी से भी आ रहे हैं उनको बच्चों को उतारने और चढ़ाने की व्यवस्था अंदर ही की जा रही है। कुछ एक स्कूल हैं जिनमें अंदर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है उनको भी निर्देश दिए गए थे कि बिल्कुल साइड में लेकर करें उन बच्चों को उतारें और बच्चों की सेफ्टी का विशेष ध्यान रखें। तो उसकी पालना हो रही है, जिनकी नहीं हो रही उनके खिलाफ़ ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा कार्यवाही भी की गई है और उसके बाद काफ़ी सुधार आया है इसमें और हम प्रयास में हैं कि पूरा सुधार आ जाए। आपका नाम? राजीव शर्मा, जिला परिवहन अधिकारी अजमेर।